नेपाल से। तो बहुत सारे मसाले हैं। और ये देखो दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग अपने होटल से बाहर आ गए हैं वियना देखने के लिए। तो ना होटल के आसपास में ही हम लोग घूमेंगे और मुझे एक ना मार्केट नजर आ रहा है दूर से, तो मुझे लगता है हमें पहले वहीं जाना चाहिए। अभी हम पहुंच गए हैं नाश मार्केट में और ये वियना का बहुत ही फेमस मार्केट है। इंग्लिश में नाश मार्केट का मतलब हुआ स्नैक्स मार्केट। तो यहाँ पे 100 से भी ऊपर स्टॉल्स हैं और ये मार्केट 16 सेंचुरी से लगाई जा रही है। शुरुआत में यहाँ पे दूध की बॉटल्स बेची जाती थी और धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पे और भी चीज़ें बिकने लगी। अभी के टाइम पे ये मार्केट फेमस है फ्रेश फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, चीज़, मीट, सी फूड, स्पाइसेस और बहुत सारी कंट्री से अलग अलग आइटम्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो फ्रेंड्स, चलिए घूमते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या नई चीज़ें और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को तो यहाँ पे प्याज में इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि इनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल प्याज से। तो ये मार्केट जो है मंडे से फ्राइडे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं और सैटरडे को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, और संडे को तो सारे मार्केट्स बंद ही होते हैं। तो ऑब्वियसली संडे को यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेपाल, जय पशु, नेपाल से पशुपतिनाथ की जय। पश्मीना शॉल, यहाँ पे गणपति जी का इन्होंने लगा के रखा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ शॉपिंग के लिए तो आ ही सकते हैं लेकिन साथ साथ में आप खाना पीना भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। मंडे से सैटरडे सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक खुले रहते हैं और अच्छी बात यह है कि ये रेस्टोरेंट संडे को भी खुले रहते हैं सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक। तो यानी कि आप संडे को भी यहाँ पर आके रेस्टोरेंट्स में खाना ज़रूर खा सकते हैं भले आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत सारे मसाले हैं, सभी जर्मन में हैं लेकिन सभी हमारे यहाँ मिलते हैं। हिबिस्कस है, करी पत्ता भी है, करी लीव्स भी सुखा के बेच रहे हैं। करी पत्ता सुखा के है, फिर हिबिस्कस, हिबिस्कस ये कुतरुम होता है, नहीं ये तो सच में ऐसी है। हेलो, I have more things from India maybe. Yeah. This one all is this masala all is from India. Yeah. Biryani also more. Yeah. 70% are from India. Yeah. Good. Okay, it's good. Thanks. Thank you, huh? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स हैं जहाँ पे वो लोग इंडियन स्पाइसेस बेचते हैं और फॉरेन में इंडियन स्पाइसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवरप्राइज्ड या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होता है, बट आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं अपने फेवरेट स्टॉल पे पहुंच गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मिल रही है एंटीपास्ती और मुझे एंटीपास्ती बहुत पसंद है। म्यूनिक में आल्डी है, वहाँ से मैं हमेशा एंटीपास्ती का टेलर लेती हूँ जो कि मुझे बहुत ही यम्मी लगता है। तो आपने अगर कभी ट्राई नहीं किया तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखो, ऑक्टोपस। अब हम लोग पहुंच गए हैं इस स्टॉल पे जहाँ पे मिठाइयाँ मिल रही हैं और ये हैं टर्किश स्वीट्स जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। पर उसके साइड में और भी चीज़ें हैं जैसे कि बकलावा, और मुझे बकलावा बहुत पसंद है। तो हाँ, यहाँ से आप बकलावा ट्राई कर सकते हैं अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो। अलग अलग कैंडीज, दे आर डिफरेंट। हेलो, व्हाट इज दिस? नूगट है। नूपुर, ये देखो ये
तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपने इतने लंबे दालचीनी के स्टिक्स यानी कि सिनेमन स्टिक्स या फिर आप जिम्ट बोल लो जर्मन में, तो क्या आपने पहले इतने लंबे स्टिक्स देखे थे? अगर नहीं तो अब देख लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए, इतने मसाले बेच रहे हैं ना ये लोग, मतलब कि क्या बताएं, हर जगह ये लोग सिर्फ मसाले मसाले बेच रहे हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जो नाश मार्केट है उसके एंड में, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन के पास एक फ्ली मार्केट लगता है, और वो हर सैटरडे को ही लगता है। और जब हम लोग होटल आ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था, पर हम लोग बहुत थक चुके थे तो इसलिए हम लोग पास में नहीं गए और हम लोग सीधा होटल चले गए। लेकिन अभी मुझे पता चला कि उसकी टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही होती है, तो बेसिकली हम लोगों ने वो जो फ्ली मार्केट है वो मिस कर दिया। वैसे फ्ली मार्केट में ना सेकेंड हैंड चीज़ें या फिर जो एंटीक चीज़ें हैं वो बेची जाती हैं, और अगर आप बार्गेनिंग में बहुत अच्छे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी डील मिल सकती है। तो अगर आप कभी वियना आए तो सैटरडे को 6:30 से 2:00 के बीच में फ्ली मार्केट ज़रूर घूमें, शायद आपको कोई अच्छी डील मिल जाए। आयुर्वेदा नेटुर कोस्ट। अरे यार कितना अच्छा साउंड कर रहा है। इडली को खाद्य फॉर्म इंडिजिनस ट्रेडिशनल एसेंस, खाने के लिए हम इसे बनाती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक इंडियन स्टोर है जहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो इंडिया में बिकते हैं, और इंडियन फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। अगरबत्तियाँ हैं जो कि बहुत महंगी है, 1 stick for 1.3, वाओ, 110 रुपये का एक अगरबत्ती और 500 रुपये के पांच। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोग अलग अलग तरह की दाल और सीरियल्स को पैकेट में बेच रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, जो कि हमें इंडिया में बहुत ही आसानी से सस्ते रेट में मिल जाता है। यहाँ पे आपको बायो कोकोनट के नाम पे सूखा हुआ नारियल बेच रहे हैं, दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये लोग सूखा हुआ करी लीव्स बेच रहे हैं। घर पे तो मेरी मम्मी सूखे हुए करी लीव्स को फेंक देती है और हमेशा फ्रेश वाले को ही प्रेफर करती है, बट यहाँ पे तो ये लीव्स भी बहुत महंगे हैं। हेलो नूपुर, डू यू वांट नमक? इंग्लिश टी शॉप। तो फ्रेंड्स, आप नाश मार्केट में आके अपने पैसों का नाश ना करें, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो ही आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पीछे अभी मार्केट था जो हमने पूरा घूम लिया, और मैं आपको सामने एक बिल्डिंग दिखाती हूँ, मुझे बहुत सुंदर दिख रही है, मुझे नहीं पता वो क्या है, बट देखते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही थी कि बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है, एक्चुअली इस बिल्डिंग का नाम है सक्सेशन, और ये एक आर्ट म्यूज़ियम है, तो अभी तो ये क्लोज हो गया होगा, तो हम लोग हो सकता है कल या फिर किसी और दिन देख सकते हैं म्यूज़ियम को अंदर से भी, बाहर से ये बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग वहीं जाएंगे जहाँ पे हम लोग वॉक करके जा सकते हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं कार्ल्स प्लाट्स, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही फेमस चर्च है कार्ल्स किर्श, तो हम लोग अभी वहीं जाएंगे वॉक करके, और यहाँ से हमको लगेंगे 15-20 मिनट वॉकिंग। सुंदर, ठंडी भी लग रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंडी है। क्या ये विंडी आपको ठंडी लगा रही है? बिल्कुल, ये विंडी हमको बहुत ठंडी लगा रही है, और बहुत जल्दी हाथ फ्रीज हो गए। मुझे लगता है कि मुझे अपने ग्लव्स निकाल लेने चाहिए, नहीं तो कुछ देर बाद मैं अपने हाथों को नहीं कर पाऊंगा।
फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुंच गए हैं कार्ल्स किर्शर। तो ये है कार्ल्स चर्च और अभी हम लोग देखते हैं अगर अभी एंट्री खुली है। ऑफ कोर्स आई थिंक खुली ही होगी, तो हम लोग अंदर जाएंगे। वैसे बाहर बहुत ठंडी है, तो थोड़ी देर पहले अंदर जाएंगे, फिर हम लोग बाहर से अच्छे से देखेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ ये सुंदर सा प्यारा सा चर्च। लेकिन अभी हम घड़ी में जो है 5:41 हो रहा है। दोस्तों मुझे आवाज बहुत अच्छी लगती है बेल्स की साउंड, और अगर अपनी रुतियां चली होती तो फ्रेंड्स, आज का तो हमारा प्लान फ्लॉप हो गया कार्ल्स किर्शर विजिट करने का, पर हो सकता है कि कल हम लोग यहीं से फिर से शुरुआत करें। तो अभी ना हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ वापस। शायद हमने लंच भी जल्दी किया था तो हमें भूख भी लग गई है। रास्ते में अगर हमें कुछ अच्छा ऑप्शन दिखा तो हम लोग खा पी के होटल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग अपने रूम में वापस आ चुके हैं और रितिका बहुत शोर कर रही है। आज हम लोग बहुत थक गए थे और बाहर ठंडी भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए हम लोग घर वापस आ गए हैं, आई मीन अपने होटल वापस आ गए हैं। और आज हम लोग बस आराम करेंगे और हम लोग कल फिर से स्टार्ट करेंगे। वियना का टूरिज्म हमारा कल फिर कंटिन्यू होगा। अब आज के लिए यहीं पे हमारा ब्लॉग खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे कल यानी कि अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।